ओम शांति। अभी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का समय है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी भक्ति में उपवास रखे, घंटों भीड़ में भूखे प्यासे खड़े रहे, एक उम्मीद मन में लिए हुए कि जब वो तुम्हारे करीब आएंगे, तुम्हारे आगे अपने दिल की मनोकामना रखेंगे, तो उनकी उम्मीद को तुम अवश्य पूरा करोगे। उन्हें खाली हाथ नहीं लौटने दोगे। ये ब्रह्मा बाप के जीवन की बहुत बहुत बड़ी विशेषता रही, या यूं कहें कि उनकी संपूर्णता में ये उनका दूसरा कदम रहा। अज्ञान काल में भी गंगा स्नान करने के उपरांत जब वो सूर्य को अधर्य देते थे, तो एक बात अवश्य कहते थे, विश्व की सर्व आत्माओं की शांति और सुख की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान के समान बन गए ब्रह्मा बाप इस विशेषता से कि सबको देना है, अपने ही चाचा जी की दुकान पर जब वो सब्जी का व्यापार कर रहे थे, तो गरीबों को देख करके ब्रह्मा बाप को रहम आ जाता था और दिल में इच्छा होती थी कि इनको ज्यादा से ज्यादा दे दूं, बांट दूं, संसार में भी यहां तक कि धार्मिक लोग एक बात अपने जीवन में कहा करते हैं कि हमारे दर पर अगर कोई आए कुछ मांगने के लिए, तो खाली ना जाए, कुछ ना कुछ उसको अवश्य मिले। ये हमारी ही यादगार है। हमारे पास कोई भी आए किसी भी उम्मीद को लेकर के आए, किसी भी मनोकामना को लेकर के आए, लेकिन उसकी हर मनोकामना के पीछे एक ही इच्छा होती है कि जीवन में सुख और शांति हो, खुशी हो, चैन हो। हम संसार की हर मनोकामना पूरी करने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार भगवान के बच्चे हैं।
उनमें से भी मैं वो बच्चा हूं जिसको देख करके भगवान को भी विश्वास है कि ये बच्चा मेरा बच्चा किसी को भी निराश खाली लौटने नहीं देगा। मंदिरों में लाइन इसीलिए लगी है कि कोई भी खाली नहीं लौटा। हमारी मूर्तियां तक भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। ब्रह्मा बाप के जीवन की इस विशेषता को बहुत बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लो कि कोई भी खाली ना जाए, नहीं तो लोगों की मुझ पर से आस्था, विश्वास और श्रद्धा कम हो जाएगी। कलप कलप वो मेरी इसीलिए पूजा कर रहे हैं कि जब उनको कुछ भी नजर नहीं आता, कोई सहारा नजर नहीं आता, तब वो मेरे पास ही आते हैं, प्यासी नजरों से देखते हैं। हे इष्ट देव, दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं, हमें शांति दे दो, दर्द से मुक्ति दे दो। पर कौन दे सकता है उनको मुक्ति? कौन दे सकता है भक्तों के मन को शांति? जिनके पास खुद शांति की शक्ति का खजाना जमा है, और शांति अर्थात मन सभी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। कोई व्यर्थ संकल्प नहीं और मन शांत तब होता है जब मन में दो संकल्प बहुत अच्छे से पक्के होते हैं। पहली बात, इस संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये संकल्प किया और मन तुरंत शांत हो जाता है। और दूसरा, सर्वशक्तिवान मेरे साथ कंबाइंड है, मैं आत्मा लाइट, फरिश्ते लाइट के शरीर में और सर्वशक्तिवान भी लाइट का सागर ब्रह्मा बाप के लाइट के शरीर में, हम दोनों जब एक साथ हैं, वो मेरे साथ है, तो मैं सदा ही निश्चिंत हूं। ये निश्चिंत स्थिति और
इस संसार से किसी भी चाहना से मुक्त स्थिति मन को सदा काल के लिए शांत कर देती है और वही आत्मा सर्व की मनोकामनाएं पूरी कर देती है। वही सदा काल के लिए पूजनीय बन जाती है, संपूर्णता की तरफ चलते हुए। आइए ब्रह्मा बाप के इस दूसरे कदम के ऊपर भी अपना कदम रखें। ओम शांति।